वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस इज़ योर लव ब्यूटी बी। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा अमेजिंग सा प्रोडक्ट जो मार्केट में अभी न्यूली लॉन्च हुआ है फ्रॉम नन अदर देन बट हिमालया। और हिमालया में लॉन्च किया उन्होंने इस बार प्योर एक्सप्रेशन काजल। इसका आज हम रिव्यू करेंगे, फुल डिस्कस करेंगे कि इसकी पैकेजिंग कैसी है, इसकी लॉन्जिविटी कैसी है, क्या ये सेंसिटिव आइज के लिए बेटर है या नहीं, सब कुछ फाइंड आउट करेंगे इस पूरे वीडियो में। सो बिफोर वी हेड टू द वीडियो, मेक श्योर आप मेरे लास्ट चल रहे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लें। यस गाइस, मेरे चैनल पर मेरा पहला गिव अवे आया हुआ है और उसका वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। और उस गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिर्फ 5 रूल्स को फॉलो करना है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है 30th November को। अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा है तो जल्दी से जाकर पार्टिसिपेट करिए। लेट्स हिट द वीडियो। सो माय एंजल्स, लेट्स टॉक अबाउट इट्स पैकेजिंग फर्स्ट। हिमालया प्योर एक्सप्रेशन काजल आता है कुछ इस टाइप की पैकेजिंग में। यू कैन सी सामने इन्होंने दिया है इसके सारे क्लेम लाइक 100% ब्लैक कलर, वाटर प्रूफ, स्मज प्रूफ, जो कि हम चेक करेंगे वीडियो में लगाकर और अप्लाई करके देखेंगे। बैक साइड में इन्होंने पूरा इनका जो क्लेम किया है वो भी दिया है, साथ में इसकी MRP है 170 rupees, 0.30 gram प्रोडक्ट है ये। और इसका सारा कुछ अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या इसने किया है या नहीं। ये अंदर मिलता है इसका काजल कुछ इस टाइप का, पैकेजिंग इज़ रियली रियली कूल और इसके ऊपर लिखा है प्योर एक्सप्रेशन काजल और यहाँ पर आपको मिलेगा हिमालया ब्रांड का टैग। और यहाँ पर जब आप इसको ओपन करोगे तो ये रिट्रैक्टेबल पेंसिल टाइप है, आपको इसे शॉर्प नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है आइज पर। सो ये इसकी इनर पैकेजिंग है। इसके ऊपर क्या क्या लिखा है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके ऊपर इन्होंने लिखा है हिमालया का ब्रांड प्योर एक्सप्रेशन काजल, ये 100% नेचुरल ब्लैक कलर है, यानी कि ये नेचुरल है, इसके अंदर कुछ सिंथेटिक कंपाउंड नहीं है, नेचुरल का मतलब यही होता है। आगे ये वाटर प्रूफ है, स्मज प्रूफ है और यहाँ पर आपको इसका वेट मिल रहा है 0.30 ग्राम। सो माई एंजल्स, लेट्स अप्लाई दिस काजल। मैं इसे अप्लाई करूँगी वाटर लाइन पर भी और इसे स्मज्ड आई लाइनर लुक भी बनाऊँगी। सो लेट्स डू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे अपने वाटर लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। इसे 2 से 3 स्ट्रोक्स लग रहे हैं लगाने में, ये एक बार में नहीं आ रहा है कलर, बट इट्स रियली रियली ब्लैक, डीप और ईजी टू ग्लाइड अपियरेंस है इसका। आई लाइनर में भी ये जहाँ मूव कर रहे हैं ना, ये बहुत ईजिली मूव कर ले रहा है और मैं इसे अब थोड़ा सा स्मज कर रही हूँ। एंड इसको स्मज करना बहुत बहुत आसान हो गया है और अगर अभी आप इस टाइम इसको हटाओगे ना फिंगर से तो ये हट जाएगा, बट पूरा नहीं हटता और सूखने के बाद तो ये बिल्कुल नहीं हटेगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा सा मेकअप रिमूवर चाहिए होगा। सो गाइज, मैंने इसको ऑलरेडी अप्लाई कर लिया है और इस आई मेकअप को भी मैंने इसी से क्रिएट किया था। दिस इज़ रियली रियली गुड। अब मैं आपको बताती हूँ क्या ये सेंसिटिव आइज़ के लिए है या नहीं। तो येस डेफिनेटली गाइज, मेरी आइज़ बहुत सेंसिटिव है, मुझे सिर्फ प्लम का काजल मोस्टली सूट करता है, बट ये वाला काजल भी आइज़ को बिल्कुल इरीटेट नहीं करता है। अगर आपकी सेंसिटिव आइज़ है, वाटरी आइज़ है, तो आप इसे डेफिनेटली लगा सकते हो। ये बिल्कुल भी 0% इरीटेशन देता है, बिल्कुल भी इरीटेशन नहीं होती है इसको लगाकर। सो इट इज़ डेफिनेटली गुड फॉर सेंसिटिव आइज़। अब आ जाते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में ये है, इसका प्रोज ये है कि ये सेंसिटिव आइज के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, इसकी लॉन्ग लास्टिंग पावर है, लाइक 5 to 6 आवर्स तक मेरे आइज वाटर लाइन पर ये रुक गया था और ये 1 to 2 स्ट्रोक में ही आपको डीप ब्लैक काजल का फिनिश मिल जाएगा आपको आइज़ पर। सो इट इज़ रियली रियली गुड। जो बहुत सारे जो काजल लवर्स होते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग काजल चाहते हैं, तो ये डेफिनेटली आप इसे ले सकते हो। आप इसे लाइनर की तरह लगा सकते हो, आप इसे काजल की तरह लगा सकते हो। लाइक जब आप इसे लगाते हो तब ये, अगर आप इसको ऐसे मूव करोगे ना तब ये स्मज हो जाएगा, लेकिन अगर ये सेट हो गया है 2-4 मिनट तक, उसके बाद आप इसको हटाओगे तो ये इतना ईजिली नहीं जाता है। 5 to 6 आवर्स के बाद ये अपने आप ही ऑक्सीडाइज टाइप हो जाता है, तो आप इसे रिमूव करने के लिए मेकअप रिमूवर यूज़ कर सकते हो। सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मेकअप रिमूवर ही यूज़ करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक ये बहुत ईजिली पानी से भी वॉश हो जाता है, इट इज़ नॉट दैट। सो इसकी लॉन्जिविटी बहुत अच्छी है अकॉर्डिंग टू द प्राइस रेंज, दिस इज़ रियली रियली गुड। प्राइस रेंज भी बहुत ही मिनिमम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। जैसे हम प्लम का काजल देखते हैं वो अराउंड 500 का आता है, ऑनलाइन सेल्स में मिल जाता है 300-400 के अंदर, बट वो एक्चुअली 500 का काजल है एंड दिस इज़ 170। सो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है।
और इसने बिल्कुल टीयरी आईज़ नहीं करी थी, इरिटेशन नहीं दी थी। काजल का इंटेंसिटी बहुत अच्छा है, लॉन्जिविटी बहुत अच्छा है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। कॉन्स में ये बात है कि इसकी ना ब्लैक की स्ट्रेंथ और भी अच्छी हो सकती थी, बट इस प्राइस रेंज पर ये वाला ब्लैक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है। आई थिंक ये आपको परचेज़ कर लेना चाहिए, सो डेफिनेटली यू कैन बाय दिस। इस प्रोडक्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन डेफिनेटली गो एंड बाय फ्रॉम देयर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू।